अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे मेहंदी वड़ा, होटल जैसा बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, तो आप देख सकते हो 5 घंटे से हमने दाल को भीगने के लिए रख दिया है। अभी हमने इसको 2-3 पानी से धो लिया है, तो आप देख सकते हो ये दाल हमारी कितनी फूली है। ये देख लीजिए आप, बहुत दाल हमारी फूल चुकी है। और इस कटोरी से 2 कटोरी दाल ली थी हमने, अभी हम इसको पीस लेंगे। देखिए बड़ा वाला मिक्सी का जार ले लिया हमने, अब इसमें हम दाल को डाल देंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको धो लिया है, आप देख सकते हो 2 टाइम करके पीसेंगे। और 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया हमने, इसको पीसेस में कट किया है, आप देख सकते हो। ये भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और दाल में हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह पीस लेंगे इसको। देखिए पीस ली हमने दाल, और हमने पानी बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। दाल का थोड़ा बहुत पानी चला गया था, बस उसी में हमने इसको पीस लिया, आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। अभी हम इसको निकाल देंगे और इस वाली दाल को भी हम पीस लेंगे। देखिए सभी दाल हमने पीस ली है, और पानी हमने बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। दाल में जो थोड़ा बहुत गया था वही पानी में हमने दाल को पीस लिया, क्योंकि हमारी दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी थी, तो इसी तरह दाल भीगना चाहिए, तो पानी की आपको ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आपकी दाल ज़्यादा अच्छे से नहीं भीगे तो 1-2 चम्मच पानी आप डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालिएगा। तो अभी हमको इसको फेंटना है अच्छे से, हाथ अच्छे से धो लिए हमने, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट लेना है। आप देख सकते हो हम किस तरह से कर रहे हो, आपको भी इसी तरह से करना है। तो एकदम ये बहुत अच्छे से परफेक्ट हमारे मेहंदी वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फेंट लेंगे इसको 5-6 मिनट अच्छे से। देखिए 5-6 मिनट हमने इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से फेंट लिया है अच्छे से। आप देख सकते हो आपको फूला फूला नज़र आ रहा होगा हमारा आटा, देख सकते हो आप इस तरह का रहना चाहिए। अभी हम आपको पानी में डालकर दिखाएंगे, देख लीजिए आप हमने इस तरह से पानी ले लिया है बॉल में, और इसको इस तरह से पानी में छोड़ेंगे तो तैरना चाहिए ऊपर। आप देख सकते हो अंदर नहीं बैठना चाहिए वो, हम एक बार और आपको दिखा देंगे, देख लीजिए आप इस तरह से आटा ऊपर आना चाहिए, पानी पे ऊपर तैरना चाहिए। तो समझ जाइए आपका बहुत ही अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए मेहंदी वड़े के बैटर में हम क्या क्या डालने वाले, आप देख सकते हो 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 1 प्याज ली इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च ली इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और 2 चम्मच लिया हमने चावल का आटा, आप देख सकते हो इससे बाहर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा वड़ा। चावल का आटा ज़रूर से ध्यान से डालिएगा, इससे बहुत बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। प्याज और शिमला मिर्च, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और मिर्च और अदरक हमने जब दाल पीसी थी तभी हमने इसके अंदर ऐड किया था। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए पैन में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और इस तरह से हमने गिलास के ऊपर रुमाल बांध दिया है। इसको पानी में हम गीला कर लेंगे थोड़ा सा, पानी का हाथ लगाएंगे इस तरह से, पानी का हाथ लगाकर इसको गीला कर लेंगे और इसके ऊपर बैटर रखेंगे। देखिए पानी का हाथ लगाकर हमने बैटर को इसके ऊपर रख दिया, इसको अच्छे से शेप दे देंगे। रुमाल को हमने गिलास के ऊपर बांध लिया है अच्छे से, और इस तरह से पानी का हाथ लगाएंगे और इस तरह से सेंटर में इसको होल कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हम शेप दे देंगे और इसको छोड़ देंगे तेल के अंदर आराम से। देखिए इस तरह से आराम से छोड़ देंगे, आप देख सकते हो
दूसरा वाला भी हमने तैयार कर लिया, इसको भी छोड़ देंगे अभी। इसी तरह से हम और छोड़ेंगे, जितने हमारे पैन में इजीली आ पाए उतने हम छोड़ देंगे। देखिए छोड़ दिए हमारे पैन में जितने आए उतने, दो हमने छोटे छोड़े, दो बड़े हैं आप देख सकते हो। इसको कलर आ चुका है, हम ये वाले पलट देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। आपको जिस तरह से छोड़ना है छोटे बड़े आप छोड़ सकते हो। उलट पलट के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए 4-5 मिनट हमने बहुत अच्छे से इसको उलट पलट कर फ्राई कर लिया आप देख सकते हो। अभी हम इसको निकाल देंगे, देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है इसका और ये कितने फूल चुके हैं आप देख सकते हो। अब इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है मेहंदी वड़ा। हमने इसको नारियल की चटनी के साथ में सर्व किया, एक हमने तोड़कर भी रख दिया आपको दिखाने के लिए। तो ये अंदर से कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और बाहर से एकदम क्रिस्प आप देख सकते हो। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए फ्रेंड, इस तरह से बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारे रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।